अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं शहजाद आसिफ और आप देख रहे हैं टैलेंट स्टार। फ्रेंड्स, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में, जहां पे पंजाब आर्ट काउंसिल रावलपिंडी की तरफ से मैडम शाजिया शेख एक ड्रामा करवाने जा रही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा है, एक लड़की पागल पागल सी, जिसमें मैम शाजिया शेख जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर भी वही हैं, और इसमें बहुत सीनियर आर्टिस्ट अली शान, शगुफ्ता खान, साइमा खान जैसे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हम थोड़े से लेट हो गए हैं, ड्रामा काफ़ी देर से स्टार्ट हो चुका है, तो चलें आपको भी ड्रामा दिखाते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप सब दोस्तों से गुजारिश कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की और वीडियोज़ भी आपके लिए बनाता रहूँ। तो मैं अपने आप से नहीं, मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूं फरियाद। मैं आज तक चचा जान के कातिल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं एक दिन चचा जान का कातिल तख्ता यार को जरूर।
कमाल शेर है कि तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते। शायद लोग भी कितने अजीम लोग होते हैं ना, ये मोहब्बत के जज्बे को कितना हसीन और रंगीन बनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना और आपका वालहाना इस्तकबाल करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी चाहता है बार बार यहाँ आने का जी चाहता है। सहे नसीब वो अंकल का लड़का के वो जी जी बिल्कुल, वो एक्चुअली उनकी मीटिंग थी, मुझे कह रहे थे कि मैं आ जाऊँगा तो अच्छे से इस्तकबाल करना है। हाँ, मैं भी मिलना चाह रहा था उनसे, आपके सिलसिले में उनसे भी उनसे कोई बात करनी है। बातें ऑफिस में कर लेंगे।
मेरे बाप का कातिल
सारी बातें किस बुनियाद पर कर रही हो? ये सब कुछ मैंने मैंने अपने ना कानों से सुना है। मुझे भी कत्ल करना चाहते हैं, मुझे भी मारना चाहते हैं। मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या Thank you.
तेरा तो कोई जमीर ही नहीं है। तू इंसान है, तू हैवान है, साले ने तू, तू साले ने साले, फराउन ने तू,
बहुत अच्छी बात है, खामोशी प्लीज, खामोशी तहजीब के खिलाफ होता है ये। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं या फैमिलीज बैठे हैं यहाँ पे, काफी लोग होटिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सका, दो मिनट चाहेंगे आपके। अगेन से आपको आज का खेल कैसा लगा, आपकी तालियों से मुझे अंदाजा होगा। इतनी सीनियर आर्टिस्ट लोगों में राहत नहीं पड़ता। इस ड्रामे की डायरेक्टर जिन्होंने इस ड्रामे को तैयार किया, आप तक पहुंचाया, बहुत मेहनत की सब आर्टिस्टों के साथ, कैसा कैंटी परफॉर्म किया आपकी तालियों में, दावा देना चाहता हूँ शाजिया शेख। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप ड्रामा करने के लिए आए, और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह पीछे बैठी है कि पाकिस्तान होने का सबूत दे रहे थे आपको, कम से कम हर घर में माँ बहन बेटी होती है, तो जरा अपने आप को उनसे जान के आपको खुद पता लग जाए। यहाँ बहुत सारी फैमिली बैठी हुई है और अच्छी फैमिली बैठी हुई है, आपकी तरह नहीं बैठी हुई, अच्छी फैमिली बैठी हुई है, उनका जरा प्यार रखा करें। आपको मुफ्त चीज इसलिए दिखाई जा रही है बंदे के पुत्र बना, हमारे हॉल में आई हुई है बिना जी द्वारी नूर, हम वो देखिए धागे से वेलकम करते हैं, और आपको सेल्फी बनाने की एक मेरी छोटी सी गलती है, आप तीनों का बेटिया दो मिनट के अंदर स्केच बनाए। अच्छा जी, मैं इस ड्रामे के जो राइटर हैं उनका तालुक हमारा जरूर से मुश्किल है, इसलिए कि खेल को लिखना, लिख तो हर कोई लेता है, लेकिन उसको नफासत के साथ लिखना, उसको कहानी को बयान करना, ये किसी किसी का काम होता है, और माशाल्लाह वो ओटीपी में मेरे ख्याल में बहुत सारे लिखते हैं, किसी को बुरा नहीं करूँ, लेकिन बासर बाजन जिसके कोई मानी होते हैं तो वो एक ही है, एम असलम भट्टी। ड्रामा दसूंगा,
आप इस सुनकर तो बात चल रही कि टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट है। हमारे इस ड्रामे के सेकंड हीरो बहुत खूबसूरत काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया बड़ी मेहनत के साथ, दिल के साथ। आपकी तालियां है अमीर शहजादा। जितने भी बहन भाई यहाँ हैं आप सबको वेलकम कहूंगी। मैंने 4 साल में बहुत काम किया है, लेकिन ज्यादा मैंने कॉमेडी के हवाले से काम किया है, और आज मैंने शादी जी का ड्रामा किया। आप यकीन माने मुझे इतना अच्छा लगा, यानी कि पता चलता है कि वाकई आज मैंने काम किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जी, इस ड्रामे के सेट बहुत ही डेंजरस किस्म के, बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छा इंसान। इस ड्रामे का सेठ जमीर अली शान। आप जी हमारे इस ड्रामे का बड़ा खास रोल, बड़ा प्यारा, और मुझे बताते हैं बहुत अच्छा लगता है, हमारी बहुत अच्छी फैमिली की तरह हमारे तालुबात है। आपकी तालियां करने वाला, हर चीज को समझने वाला, किसी की दुख तकलीफ को जानने वाला, महसूस करने वाला, हर कोई इंसान नहीं होता, बड़े से बड़े ने इंसान जो होता है, ठीक है, तो वो इंसान बहुत अच्छा है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। हर जो भी कैरेक्टर दिया जाए उसको इस तरीके से शीशे में उतारता है, क्या बात है, समान है। आपकी तालियां है इमरान। मेरा हीरो, इस ड्रामे का हीरो एक लड़की पागल पागल सी आप हैं। आपकी तालियां हैं अरशद खान। अच्छा जी, इस ड्रामे की बहुत खूबसूरत नौकरानी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत अच्छी नेचर की मानी है वो। आपकी तालियां हैं और शिगुप्ता से ना खूबसूरत दिल से ना खूबसूरत प्यार से, फिर कोई भी बंदे होते हैं
मैं तहदिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका नहीं करती, सबको ऐसी मेजोरिटी सब आए गवाह देने के लिए, वो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन एक वो शुक्रिया होगा जो आपके साथ चलते हैं कदम पर कदम, आपके साथ साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी मुश्किल में खड़े होते हैं, आपका साथ देते हैं, तो वो सिर्फ तीन शख्स थे, उसके अलावा कोई नहीं और ना मैं किसी को मानती हूँ। पहला नाम है बहुत खूबसूरत, किसी तार को मोहताज नहीं, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छा इंसान, एहसासमंद, जो हर किसी के अंदर एहसास है, वो है हमारे पीटीबी के बहुत ही प्यारे कैमरामैन बिशारत जाफरी। जी दूसरे हमारे मेहमान हैं, बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, वो है आर्टिस्टों को से पहले किसी ने दिया है और ना ही दिया होगा, ना आगे देंगे। हाँ मेरे कॉपी से शुरू हो गए तो अलग कर रहे आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत अच्छे इंसान, मेरा बहुत भरपूर साथ दिया। कहते हैं कि कोई चीज आप देंगे किसी का साथ नहीं दिलाते हो कि हम आपके हैं, तो जरूरी नहीं होता कि आपको कोई चीज देगा तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ हो चल रहे, जरूरी नहीं होता। एक हाथ पकड़ लेना, एक शब्द सर पे हाथ रख देना जैसा भट्टी साहब है, और कदम के साथ कदम मिला कर खड़े हो जाना, यही अपना काम होता है। और अपना काम दिखाया है मुझे जी, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ऐसी तकलीफ हुई है कि जब आप आते हैं आपके लिए मुफ्त तकलीफ दी जाती है और मुफ्त तकलीफ दी जाती है, और हमारा मकसद भी नहीं होता है कि घर में इंसान के हर घर में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बीमारियाँ, कोई ना कोई हादसा होते हैं। हम ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है कि आप यहाँ पर, इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि यहाँ पर आकर सब लोग खुश होकर जाए, एंटरटेन होकर जाए, ना कि हम आपको बुरा दें, आप हमें बुरा दें। मेरे ख्याल में नजर ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस ड्रामे में जो बहुत ज्यादा कॉपरेट किया है, मैं उनका नाम लूंगी, बहुत ज्यादा उनकी वादा भी मान रहे हैं कि उन्होंने टाइम मुझे ज्यादा दिया कि आपा मैं इस ड्रामे में आपके साथ हूँ, वो है शुजा हुमायूं। इस ड्रामे की ऐसी नायिका है और उसके बाद मिलकर तो मुझे नाम ही पता, जवाब नवाज, इनके लिए भी क्लैप करेंगे जी। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे लेकिन फंसे पड़ गया और फंसे पड़ते ही थे, इनके नाम ऐसे थे, इनके लिए भी क्लैप करते हैं। और हमारे साथ थे लड़के, एक नदीम पता नहीं रुक गया है, बहरहाल इसके लिए भी ताली बजा दें। और नदीम साहब ये भी इन्होंने भी रोल अदा किया, इनके भी क्लैप करें। और बात आ गई एक अच्छे दोस्त की, मेहमान की, तो वो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैंने कॉल की, फोन कॉल की, बल्कि फोन कॉल भी नहीं की, मैसेज किया चुका था कि मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है, तो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, और जवाब उस वक्त दिया जब वो मेरी आंखों के सामने खड़े थे। यहाँ पर एक ही नाम है, डॉक्टर वकार वजीर। रावणपिंडी आर्ट्स काउंसिल, कब इनके हाथों का कमाल था,
हम इनकी कठपुतलियाँ थी, जैसे जैसे ही म्यूजिक चलाते थे और जैसे जैसे ये लाइन देते थे हम उसी तरह परफॉर्म करते थे। इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रामायण सिंह, ये मेरी तरफ से छोटा सा फीसद होगा। ये आपको छोटा समय तो आपके दर से दे रहे हैं। Thank you.